हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यस के मैकेनिकल टेक में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राइट एंगल या स्क्वायर की जांच कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप बहुत ही आसानी से राइट एंगल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3, 4 और 5, दोस्तों आप इसको याद करके रखना है, 3, 4, 5 को, और इसकी मदद से आप राइट एंगल को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं और किसी प्लेट को राइट एंगल आप बना भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। ए बी और सी, यहाँ पे ट्रायंगल है, इसे हम बेस कहेंगे। ये बेस है और जो ये है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे इसे हम कहते हैं हाइपो टेनस। ये हाइपोटेनस है। अगर जो यहाँ पे इसका बेस यानी कि BC अगर जो 3 हो और जो परपेंडिकुलर ये 4 हो, तो जो AC का लंबाई होगा ये 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अगर जो आपको ट्रायंगल बड़ा बनाना है तो इसका हम डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर जो यहाँ पे मानिए 3 है 4 है और 5, ये तीनों इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, 3, 4, 5। इसमें हम क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15। इसमें भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 20। और जो 5 है इसमें भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अभी यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट नंबर का है 15 है, यहाँ पे BC के जगह पे 15 रखेंगे और AB के जगह पे 20 mm रख लेंगे और जो हाइपोटेनियस है ये 25 mm आ जाएगा। अगर जो आपको और इससे ज़्यादा अगर जो बढ़ाना है ट्रायंगल के हिसाब से, तो 3, 4 और 5 में इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। आप अपने अनुसार आप कर सकते हैं, 10 से कीजिए या 8 से कीजिए या 6 से कीजिए, आप अपने अनुसार। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, अगर जो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 30, और इसमें भी 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 5 में भी हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 50। चलिए मैं आपको ड्रा करके एक बार मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन में यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और हमको यहाँ पे लेना है ये देखिए 30 mm। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम 30 mm पे एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमको लेना है 30 mm, ठीक है, और जो ये 40 mm है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे यहाँ से हम 40 mm यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 40 mm, और इस जो नीचे वाला लाइन है इसके पैरलर में हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देंगे। और देखिए जो क्या है कि ये जो 40 mm यहाँ पे ये BC लाइन है, इसे हम BC बोलेंगे जो बेस है। अगर जो ये 30 mm है और जो इसका यहाँ पे मैं डिस्टेंस रखा था ये है, ये 40 mm है, और जो 50 mm है हाइपोटेनियस, हम यहाँ पे क्या करेंगे ये देखिए आप,
यहाँ पे हम 40 mm पे, 50 mm पे हम मार्किंग करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 50 mm ले लेंगे डिवाइडर में, और जो ये बी पॉइंट है यहाँ पे जो बी पॉइंट है इससे, और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस लाइन पे। अभी जो यहाँ पे कट हो रहा है ए है, और इसको हम क्या करेंगे, ए और सी को यहाँ पे हम ऐसा मिला देंगे, और ए और बी को भी यहाँ से हम आपको यहाँ से देखिए, इसे ए और बी को यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। अभी ये 40 है तो यहाँ पे देखिए 40 आ गया, और जो इसका डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये है 50। अगर जो आप एमएम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 50 mm हो गया, और ये हो गया 30 mm, और ये 40 mm हो गया। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके राइट एंगल पे मैं दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको राइट एंगल पे मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग काम करते हैं और राइट एंगल आउट हो जाता है, तो इसके लिए इसको कैसे चेक करना है इसी फार्मूला के माध्यम से हम करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये 30 mm है, यहाँ से हम इसके बेस पे 30 mm पे यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 mm पे मार्किंग करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जो ये 40 mm है आपको यहाँ पे मार्किंग करना है ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 40 mm पे हम मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे 40 mm पे मार्किंग करने के बाद से जो ये 50 mm है यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ पे हम मार्किंग किए हैं बेस लाइन पे, और यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे। अगर जो ये 50 mm आएगा, यहाँ पे देखिए राइट 50 mm आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि राइट एंगल सही है। इस हिसाब से हम लोग राइट एंगल को चेक कर लेते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।